आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 8.3 में ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या है, जैसे हमें दिया है साइन थीटा, तो क्या एक एंगल है थीटा, तो इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अगर इस वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट कर दें तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, कॉस थीटा। ये क्या है, हमारा एक फॉर्मूला है, अगर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा। एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। एंड हमारा थर्ड tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। एंड cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। मीन्स इसको लर्न कैसे करना है, देखिए साइन किस में चेंज हो रहा है, cos में, cos किस में चेंज हो रहा है, साइन में। सिमिलरली sec का cosec, cosec का sec, ऐसे ही tan का cot और cot का किस में चेंज होगा, tan थीटा में। नोट डाउन। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्या, इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट है साइन 18 अपॉन कॉस 72। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ 18 डिग्री, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 72। 18 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 72 तो कितना आएगा, 18। मीन्स अगर हम इस 18 की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दें, साइन 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या है हमारा, थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 72 अपॉन कॉस 72। कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 1। नोट डाउन। अब हमारा सेकेंड पार्ट है, अब देखिए tan 26, तो 26 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64, 90 में से अगर हम लोग 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26। तो इस 26 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64, पुट कर देते हैं वैल्यू, tan 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, मीन्स cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, सेम है, कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1। नोट डाउन। अब आते थर्ड पार्ट पे, इसमें भी वही करना है, 48 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, है ना, तो यहां पे पुट कर देते हैं 48 की जगह, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, सेम है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा, 0। नोट डाउन। अब आता है फोर्थ पार्ट, इसमें देखिए आगे वाले को चेंज कर लेते हैं, 31 को क्या लिख सकते हैं, 31 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 59, पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस sec 59। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, मीन sec 59 डिग्री माइनस sec
59 डिग्री सेम है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। नोट डाउन। अब हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू। सो दैट 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल टू 1, मीन्स हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इसमें भी हम लोग वही वाले फॉर्मूला लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले। तो देखिए इसमें स्टार्टिंग के अंदर हम लोग दो को चेंज कर लें, 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, सीधे लिख देते हैं हम 10। 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 42। और 1023 को क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 27 ब्रैकेट 1042। इन दोनों को एज इट इज रखेंगे, 1042 एंड 1067 डिग्री। अब देखें 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा मीन्स कॉट 42। 1090 माइनस थीटा ये भी हो जाएगा कॉट 27, एक मिनट ये होगा 67 सॉरी, हाँ ये हो जाएगा कॉट 67, 1042 एंड 1067। हमें मान लो 10 कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 थीटा। अगर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 42, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 67, ये है 10 42 डिग्री, ये हो गया 10 67 डिग्री लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये अपॉन में तो इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि ये सब क्या है मल्टीप्लाइंग में, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो सब कट गया तो आंसर क्या बचा, 1। नोट डाउन। अब नेक्स्ट है, इसमें भी हम लोग इस वाले को चेंज कर लेते हैं और इस वाले को, तो क्या होगा देखिए 38 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 52 इंटू कॉस 52 माइनस, इसमें भी चेंज कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 52 साइन 52। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा मीन साइन 52 कॉस 52 माइनस, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा मीन कॉस 52 इंटू साइन 52। तो देखिए ये हो गया साइन 52 कॉस 52, ये मल्टीप्लाई में तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं वैसे, तो ये हो गया साइन 52 कॉस 52। अब देखिए ये पूरा टर्म क्या है सेम, ये भी क्या है साइन 52 इंटू कॉस 52, ये भी क्या है साइन 52 इंटू कॉस 52, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या देगा, जीरो, विच इज इक्वल टू आर एच एस। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 वेयर टू ए इज एन एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए हमें फॉर्मूला मालूम है, टेन थीटा बराबर कितना होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ टेन टू ए मीन्स थीटा की जगह क्या दिया हुआ है टू ए, तो टेन टू ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, ठीक है। अब देखिए इसका RHS, तो इस tan 2a को इधर पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो tan 2a किसके बराबर, इसके इक्वल है, तो यहाँ पे tan 2a की वैल्यू पुट कर देते हैं, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड कॉट है, तो ये वैल्यूज क्या होंगी इक्वल, तो इक्वल करा देते हैं, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस का 18 डिग्री, इसको उसको ले आते हैं, माइनस का होगा प्लस हो जाएगा तो कितना रहेगा 3a, ये माइनस का इससे हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो कितना रहेगा 108, देन a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3, देन a इज इक्वल टू 3 9 36 है 18, देन ए इज इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। नोट डाउन।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ tan A इज इक्वल टू cot B, प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सीधे tan A को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा मीन्स A इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ, cot B। कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि दोनों साइड cot है, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, तो माइनस का ए उसको चला जाए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव हो गया, नोट डाउन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये भी पहले वाले की तरह सेम, इसमें भी sec 4a को इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20, ये हमको क्या गिवन है। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 4a इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20। अब दोनों साइड कॉसेक है तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर करके इक्वेट करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। माइनस का 4a उस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा कितना, 4a प्लस के 5a, माइनस का 20 इस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, 110। तो a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, तो 5 टू द 10, देन a इज इक्वल टू 22 डिग्री, नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ a एंड b एंड c आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल abc, देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो देखिए हमें क्या गिवन है, ए पी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल मतलब ये मान लिया एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इनके ये वाले एंगल अंदर वाले। अब प्रॉपर्टी होती है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। देन एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, ये प्लस का एंगल ए उसको चला गया, क्या हो गया, माइनस का एंगल ए। अब देखिए हमें LHS क्या दिया हुआ है, LHS हमें गिवन है साइन बी प्लस सी अपॉन 2, ये दिया हुआ है, ठीक है, LHS इक्वल टू ये दिया हुआ। अब देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी, 180 माइनस एंगल ए, पुट कर देते हैं साइन बी प्लस सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 180 माइनस ए, ठीक है, एंगल नहीं लिख रहे खाली 180 माइनस ए अपॉन 2, तो ये हो गया साइन। इसको अब स्प्लिट कर लेते हैं, इसको क्या लिख देंगे, 180 अपॉन 2 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट अब देखिए 180 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 90, तो साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब देखिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है ये, तो ये होगा कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू आर एच एस, मीन्स एल एच एस किसके इक्वल आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रूव, नोट डाउन। अब हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 टू 45। मींस अब हमको इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखना है कि जो एंगल्स की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे ये एंगल लिखा है 67, ये लिखा है 75 डिग्री, तो ये जो एंगल्स की वैल्यू क्या हो, 0 से 45 डिग्री के बीच में। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब देखिए साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा मीन्स साइन
15 डिग्री। अब देखिए ये जो एंगल्स की वैल्यू क्या आ गई, बिटवीन 0 to 45, तो हमारा आंसर क्या हो गया, कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री। नोट डाउन स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे यूट्यूब यूनिवर्सल इक्वेशन। तो देखते हैं क्या है ये यूट्यूब यूनिवर्सल इक्वेशन। लाइन प्लस शेयर प्लस सब्सक्राइब इज इक्वल टू मोर न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।